श्रद्धा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एसएमई पोस्ट लाइव। पेश है आज की खास एसएमई खबरें। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC द्वारा बुनकरों के लिए रॉ मटेरियल और सप्लाई में देरी के चलते शुरू किए गए ई दागम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप अभी हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है, जो जल्द ही बंगाली, उर्दू और अन्य भाषाओं में भी चलेगा। भारत और किर्गिस्तान ने मंगलवार को 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यूथ अफेयर्स, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, ब्रॉडकास्टिंग और शेयरिंग ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट आदि शामिल हैं। नोटबंदी के बाद डिजिटल कैश को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार अब आधार के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत सरकार रोजाना 10 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन आधार से कराने की योजना बनाई है। सरकार ने इसको सफल बनाने के लिए आधार ट्रांजेक्शन करने वाले डिवाइस को फुल प्रूफ करने का भी प्लान बनाया है। वेस्ट बंगाल सरकार ने राज्य के एमएसएमई डिपार्टमेंट से कहा है कि वह सरकार को बताएं कि बंगाली टेलीविजन शो बंगाल अहेड से राज्य को कितना फायदा हुआ है। सरकार इस समय राज्य में बिजनेस के वातावरण को लेकर निरीक्षण कर रही है। बंगाल अहेड शो एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अपनी रैंकिंग सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई सारे नए कदम उठाने की तैयारी की है, जिसमें कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए उसका ई बिजनेस पोर्टल बनाना जनवरी से अनिवार्य कर दिया जाएगा। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही एक नए डिजिटल विलेज प्रोग्राम को शुरू करेगी, जिसके जरिए वह टेक्नोलॉजी की मदद से गांव में हेल्थ और एजुकेशन सर्विस देगी। टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा है कि सिल्क को सिर्फ महिलाओं का परिधान मानकर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए। फैब्रिक इंडस्ट्री में जेंडर परसेप्शन को बदलने की जरूरत है और सिल्क फैब्रिक को सभी के लिए होना चाहिए। नए साल के लिए एक्सपोर्टर के ऑर्डर्स में हुआ इजाफा। एशियन हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन राजकुमार मल्होत्रा ने कहा है कि रुपए के गिरने से फॉरेन बायर के लिए प्रोडक्ट्स के दाम कम हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने अगले साल के ऑर्डर्स की संख्या बढ़ा दी है।